देखिएगा, आज हम अनाज मंडी इंद्री में हैं, तो ये कचाट एसोसिएशन की तरफ से मुझे बुलाया गया था। अभी सतपाल जो है अपने उनको जो है कचाट एसोसिएशन ने उनको प्रधान बनाया। सतपाल जी ने मुझे कल इनवाइट किया था, अभी चाय का प्रोग्राम, आपको चाय बुलाएंगे, चाय चाय पे आ जाओ। मुझे नहीं पता था अभी ये बैठक करने जा रहे हैं, तो आज चाय पे बुलाया था तो मैं यहाँ पर आया था। तो यहाँ आने पर इन्होंने मेरा, काफ़ी संख्या में हड़ती लोग भाई यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा यहाँ पर स्वागत किया मालाओं से, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो कुछ एसोसिएशन की तरफ से कुछ समस्या भी रखी गई, समस्या कुछ पहले भी रखी गई थी जब सतपाल जी प्रधान थे, तो उसमें से काफ़ी काम तो उनका हो चुका है, काफ़ी काम, बाकी एक दो काम उसमें पेंडिंग पड़े हैं। तो वो काम भी जो पेंडिंग पड़े, जैसे किसान भवन की बात इन्होंने कही है, इसी प्रकार समुदाय केंद्र की बात कही है, यहाँ पर एक गेट है जो जिसको जिस एक नया गेट खुलवाने की बात करी है, उसमें थोड़ा सा रास्ते का थोड़ा समस्या है। तो ये सारी जो काम इन्होंने बताए हैं, तो ये सारे काम कराने का काम करेंगे, पब्लिक के हित की बात है। तो क्या है, पहले क्या होता था, मंडी का जो है सीजन काफ़ी लंबा चलता था, क्योंकि किसान जो है बैलों से खेती करते थे, कटाई करते, हाथों से कटाई करते थे, एक एक महीने सीजन चल जाता था। परंतु आजकल क्या है, मशीनरी का युग है, सारा मशीनरी से बुआई होती है, मशीनरी से कटाई होती है। और ये सीजन जो जीरी का गेहूँ का है, दोनों सीजन अब 7 दिन के, मैं कहूँ 7 दिन का ही है। तो जब 7 दिन में सबकी गेहूँ जीरी कट करके मंडी में आ जाती है, जब मंडी में आ जाती है तो बड़ा भारी भीड़ रश हो जाता है। तो उसमें मैं कहता हूँ दो गेट क्या, उसमें जितने गेट ज़्यादा उतने भी कम होते हैं, इसलिए इन्होंने गेट की बात रखी है। उस गेट को भी दोबारा से उस गेट के बारे में विचार करके उसको खुलवाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मंडी का सीजन शुरू हो तो गेट की कमी महसूस ना हो, और गेट नया बने और उसमें आने जाने में किसानों को कुछ समस्या न हो और सुविधा मिले। इसी प्रकार से एक समुदाय केंद्र है, जैसे कोई किसान भाइयों को या आर्थिक भाइयों को अपनी मीटिंग करनी होती है, तो उनको कोई मीटिंग करने के लिए उनको प्रॉपर जगह मिले, तो वो इस प्रकार का वो जैसे समुदाय केंद्र की बात करिए, समुदाय केंद्र जैसे गरौंडा में है, इसी प्रकार की सुविधा दिलाने का काम करेंगे, ताकि इससे आड़तियों को तो सुविधा मिलेगी। यार इसके बाद किसी ने भाई ने, गरीब भाई ने, किसी ने अपने ब्याह शादी फंक्शन करना हो, ताकि वो समुदाय केंद्र में जा करके जो भी थोड़ा बहुत शुल्क होकर दे करके अपना काम करेगा, तो उस गरीब भाई का भी इसमें भला हो जाएगा। तो ऐसी प्रकार का काम करने काम करेंगे। देखिएगा, ये जब पहली बार कोई सड़क बनती है, क्योंकि मिट्टी दबती है, हम मकान बनाए या जो बनाए, तो वो क्या होता है, पहली बार तो एक दबने काम करती है। तो मैं समझता हूँ जल्दीबाजी में सड़क बनी है, जल्दीबाजी में बनी है तो मिट्टी अब बैठ गई, मिट्टी जब बैठी सड़क भी बैठ गया, तो कुदरती है वो टूटने दी। अब इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो मैंने इसका माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लाकर इसका दोबारा से इसका इसकी रिपेयर्स का रेनोवेशन का मतलब एस्टिमेट मैंने बनवा दिया है, पास करा दिया है। तो पास कराने के बाद, टेंडर लगने के बाद, इसकी जो है दोबारा से रिपेयर करके इसको सुंदर बनाने का काम किया जाएगा। जब ये ऐसा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर ये लंबी, इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और लंबी चलेगी, तो इससे हमारे को आने जाने में सुविधा रहेगी।